अभी आपकी आंखें दुनिया के सबसे खूबसूरत मिरर को देख रही हैं, जो ब्रह्मांड की खूबसूरती से हमारा परिचय कराने वाले हैं। जेम्स वेब के सुनहरे मिरर्स हमें ब्रह्मांड के सुनहरे पास्ट के बारे में बताएंगे। इनसे हमें पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मांड आज से 250 मिलियन सालों पहले कैसा दिखता था। क्योंकि हम लोग उन्हीं एलिमेंट से बने हैं जिनका जन्म कभी इन तारों में हुआ था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें हमारे जन्म की कहानी सुनाएगा। किसी भी टेलीस्कोप के मिरर उसका दिल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जेम्स वेब के दिल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेम्स वेब में कितने मिरर हैं, वे किस चीज के बने हैं और वे कैसे काम करते हैं। जेम्स वेब को वक्त में पीछे देखने के लिए बनाया गया है। यह टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि यह हमसे 13 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज को भी देख सकता है। इतनी दूर की गैलेक्सीज को देखने के लिए जेम्स वेब को जरूरत थी एक बहुत ही बड़े मिरर की, क्योंकि जितना बड़ा मिरर होगा वह उतनी ही ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगा और फिर उन लाइट को प्रोसेस करके उतनी ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बरसात में बड़ी बाल्टी छोटी बाल्टी की तुलना में ज्यादा पानी एकत्र करती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 तरह के मिरर्स लगाए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फाइन स्ट्रियरी मिरर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी मिरर के बारे में। जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर को बेरिलियम से बनाया गया है, क्योंकि यह मेटल बहुत ही हल्का और स्ट्रॉन्ग होता है। यह इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है और यह मैग्नेटिक भी नहीं है। और इन सबसे बढ़कर यह एलिमेंट वेरियस टेम्परेचर्स पर अपने शेप को बनाए रखने में भी माहिर होता है। इन मिरर्स को बनाने में इस्तेमाल किए गए बेरिलियम को यूटा के बेरिलियम माइन से निकाला गया था और उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के लिए इसे अमेरिका के 11 अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। जेम्स वेब का प्राइमरी मिरर एक एवरेज साइज के जिराफ जितना बड़ा है। यह मिरर 18 मिरर सेगमेंट को मिलाकर बना है और हर सेगमेंट का डायमीटर 1.32 मीटर है। पर यहाँ सवाल ये है कि इसे बनाने में 18 मिरर सेगमेंट का इस्तेमाल ही क्यों किया गया, 10, 12 या 15 क्यों नहीं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये मिरर सेगमेंट्स हेक्सागोनल क्यों हैं, सर्कुलर, ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर क्यों नहीं? इन दोनों सवालों का जवाब है इस प्राइमरी मिरर को नियर सर्कुलर शेप देने के लिए। जेम्स वेब के गोल्स काफी बड़े हैं और इन बड़े गोल्स को पूरा करने के लिए इसे जरूरत थी एक बड़े प्राइमरी मिरर की, और इतने बड़े मिरर को किसी रॉकेट में फिट करके लॉन्च करना इम्पॉसिबल था। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया और एक क्रांतिकारी उपाय निकाला इस मिरर को अलग अलग टुकड़ों में बनाने का, ताकि इसे फोल्ड करके आसानी से किसी रॉकेट में फिट किया जा सके। और दूसरी ओर लाइट को डिटेक्टर पर फोकस करने के लिए एक सर्कुलर मिरर की आवश्यकता थी, इसलिए जेम्स वेब के मिरर सेगमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना जरूरी था कि वह एक नियर सर्कुलर शेप ले सके, और यह पॉसिबल हो पाया 18 सेगमेंट्स का इस्तेमाल करके। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन सेगमेंट का शेप हेक्सागोनल क्यों है। हेक्सागन 6 साइड वाला एक सिमेट्रिकल शेप है, जिसकी वजह से इसका फिलिंग फैक्टर काफी हाई है। इनके हेक्सागोनल शेप की वजह से ये सभी सेगमेंट्स बिना किसी गैप के एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते वाला ये आकार इस मिरर को एक नियर सर्कुलर शेप देता है और इसमें गैप भी कम से कम होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जेम्स वेब के मिरर बेरिलियम से बने हैं, पर दिखने में तो ये गोल्डन है, ऐसा क्यों? चलिए अब ये भी जान लेते हैं। इन मिरर्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद इन पर सोने की परत चढ़ाई गई है, ताकि इसकी रिफ्लेक्टिव क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि सोना इंफ्रारेड लाइट को बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। इन मिरर्स पर गोल्ड की परत चढ़ाने के लिए 48 ग्राम सोने का उपयोग किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इस पर चढ़ाए गए गोल्ड की परत की मोटाई 100 नैनोमीटर्स है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जेम्स वेब में 4 तरह के मिरर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फाइन स्ट्रियरी मिरर। इसका प्राइमरी मिरर एक कॉनकेव मिरर है, वहीं अगर बात करें इसके सेकेंडरी मिरर की तो वह एक कन्वेक्स मिरर है। अब बारी है यह जानने की कि कैसे इन चारों मिरर्स का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड की तस्वीरों को प्राप्त किया जाता है। जब प्रकाश की किरणें टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर पर पड़ती हैं, तो वह इस लाइट को कैप्चर करके उसे सेकेंडरी मिरर पर रिफ्लेक्ट करता है और वहां से
लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर इसके रेक्टेंगुलर टर्शियरी मिरर पर पड़ती है और इसके बाद ये लाइट टेलीस्कोप के फाइन स्टीयरिंग मिरर पर जाती है और वहाँ से ये पहुँचती हैं टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स के पास जो इसके प्राइमरी मिरर के पीछे लगे हैं और फिर इस लाइट को प्रोसेस करके ब्रह्मांड के राज खोल देने वाली तस्वीरों को प्राप्त किया जाता है। जेम्स वेब के मिरर अब तक के सबसे पावरफुल और एडवांस मिरर हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये ब्रह्मांड के कौन कौन से राज खोलते हैं।